सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय ओजीवा, बी अ बेटर यू। वंदना दिल्ली की रहने वाली है, 26 साल की है। आजकल एक बात उन्हें बहुत परेशान कर रही है, उनके ब्रेस्ट के साइज। उनका कहना है कि पिछले कई समय से वो नोटिस कर रही हैं कि उनके जो दोनों ब्रेस्ट हैं वो सेम साइज के नहीं हैं। लेफ्ट ब्रेस्ट राइट ब्रेस्ट से थोड़ा बड़ा है। उन्होंने ये बात अपनी फ्रेंड से डिस्कस की। पता चला कि ये कोई अनोखी बात नहीं है, उनकी कुछ फ्रेंड्स भी ऐसा ही महसूस करती हैं। पर वंदना को अभी भी डाउट है, उन्हें डर है कि कहीं उन्हें ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हो गया है। अब शर्म के मारे वो डॉक्टर के पास नहीं जा रही है, डॉक्टर को नहीं दिखा रही है। वंदना चाहती है कि हम डॉक्टर से पूछ कर उन्हें बताएं कि दोनों ब्रेस्ट अलग अलग साइज के होना क्या नॉर्मल बात है, ये किसी बीमारी की निशानी तो नहीं है। अब ये सारे सवाल तो हम डॉक्टर से पूछेंगे ही, पर सबसे पहले सबसे जरूरी बात, औरतें अक्सर ब्रेस्ट या फिर वजाइना से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में खुलकर बात बिल्कुल नहीं करती हैं, किसी को बताती नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं, और ये बहुत खतरनाक है। इसका नतीजा ये है कि सही समय पर सही इलाज नहीं मिलता है। अगर आपके पैर या फिर सिर या फिर आँख या फिर पीठ में कोई तकलीफ होती है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना? ठीक वैसे ही अगर आपको ब्रेस्ट या फिर वजाइनल हेल्थ से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी प्लीज डॉक्टर के पास जाइए, वो भी आपके ही शरीर के अंग है, चेकअप करवाइए। इसमें शर्म की कोई भी बात नहीं है, उल्टा देर करने से लेने के देने पड़ सकते हैं। अब आते हैं वंदना के सवालों पर। सबसे पहले जानते हैं कि कुछ औरतों में दोनों ब्रेस्ट अलग अलग साइज के क्यों होते हैं और क्या ये नॉर्मल है। बहुत बार ये देखा गया है कि लेडीज के ब्रेस्ट के साइज में अंतर होता है, अप टू 20% ये नॉर्मल माना जाता है, जिसका मतलब है कि अगर दोनों ब्रेस्ट के साइज में 20% तक का वेरिएशन है, इसको हम लोग नॉर्मल मान के चलते हैं। कभी कभी ये जन्म से देखा जाता है और कभी कभी जब प्यूबर्टी होती है, जब वो अपने टीन्स में आती है, उस टाइम पे ये हो सकता है। इसमें घबराने की बात नहीं है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि विमेन का ब्रेस्ट साइज तब बढ़ जाता है जब एकदम सडनली कुछ कारण होते हैं। इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। कुछ तो जन्म से ऐसा होता है, कभी कभी हॉर्मोन्स की वजह से होता है, कभी कभी जैसे ही लेडी अपनी प्यूबर्टी रीच करती है, जिसका मतलब है कि जैसे ही वो अपने टीन्स में पहुंचती है और ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, तब इसमें कुछ अनइक्वल साइज हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ एबनॉर्मल रीजंस भी होते हैं, जैसे कि कभी कभी ब्रेस्ट में सिस्ट हो सकते हैं, कभी कभी इसमें थोड़ी सी फाइब्रोसिस, विच मीन्स कि वो थोड़ा सा एरिया थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, और कभी कभी लम्प्स की वजह से भी हो सकता है। तो ये लम्प्स की वजह से कैंसरस भी हो सकता है, कभी कभी निप्पल्स में वेरिएशन भी हो सकती है। तो ये अन्य कारण है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। आपको अपने डॉक्टर से तब सलाह मशवरा करना चाहिए अगर आपको ये बहुत ट्रबल कर रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ ब्रेस्ट अनइवन साइज की होने की वजह से बहुत लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको अच्छा फील नहीं होता अबाउट देयर बॉडी इमेज। दूसरी बात ये है कि अगर ये सडनली एकदम से बड़ा है या घटा है एक ब्रेस्ट का साइज, तो आपको जरूर डॉक्टर की सलाह मशवरा लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ भी लंप है ब्रेस्ट में, या आपको लगता है कि निप्पल अंदर को धस गई है, या उसके ऊपर की जो स्किन है वो एबनॉर्मल हो गई है, जैसे पिट्स आ जाते हैं, ऑरेंज के जैसे पिट्स होते हैं, अगर संतरे के जैसी स्किन के पिट्स होते हैं, कई बार स्किन में ऐसा भी हो जाता है, कुछ भी अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ साइकोथेरेपी और रिअश्योरेंस की जरूरत ही होती है, और डॉक्टर आपको इस बारे में जरूर बताएंगे। और कभी कभी हमें कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट करने की भी जरूरत होती है, जैसे कि
अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी या MRI। एट द सेम टाइम कभी कभी जब बहुत परेशान हो जाते हो और आपको लगता है कि बिल्कुल आपको ये मानसिक रूप पे तंग कर रहा है, तो फिर आपको एक प्लास्टिक सर्जन को भी आप मिल सकते हैं। सो अलग अलग तरह के रीजंस की वजह से आप अलग अलग डॉक्टर से मिल सकते हैं। अगर तो कुछ भी सिस्ट या कैंसरस कुछ भी लंप होता है तो फिर वो निकाला जाता है। अगर आपके भी दोनों ब्रेस्ट के साइज में अंतर है तो उम्मीद है डॉक्टर की बात सुनकर आपको इसकी वजह पता चल गई होगी। कई बार ये नॉर्मल होता है, थोड़ा फर्क होता है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर अंतर बहुत ही ज्यादा है, अचानक से साइज जो है वो बढ़ गया है या फिर आपको गांठ जैसी कुछ महसूस हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, देरी ना करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। अगर बहुत मिर्च मसाला वाला खाना खाते हैं तो जानिए आपके पेट को किस तरह का नुकसान पहुंचता है। हम में से कई लोगों को खूब मिर्च मसाला डालकर खाने की आदत है, पर ऐसे में हम अपने पेट के बारे में नहीं सोचते, बेचारा उस पर क्या बीत रही है। ज्यादा मसाला मिर्च वाला खाना खाने से पेट में अल्सर होने का डर रहता है। इसके बारे में हमें और बताया डॉक्टर विकास ने। पेट के अल्सर को आम भाषा में पेप्टिक अल्सर से भी जाना जाता है। ये आमतौर पर पेट और डुओडेनम यानी कि छोटी आंत का फर्स्ट पार्ट के जख्म को बोलते हैं। हमारे पेट पर और छोटी आंत पर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे म्यूकस लेयर कहते हैं। ये लेयर एसिड के प्रभाव से बचाती है। कुछ वजहों से ये प्रोटेक्टिव लेयर क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसका मुख्य कारण है एसिड का ज्यादा होना। ये ज्यादा मसाला या फिर तला भुना खाने से होता है, पर सिर्फ ये कारण नहीं है, पेट का अल्सर और भी कारणों से हो सकता है। जैसे तनाव और चिंता के कारण एसिड ज्यादा रिलीज होता है, टाइम पर खाना ना खाना, बीड़ी सिगरेट पीना, दिल की बीमारी वाले खून पतला करने की दवाई लेते हैं जिनसे पेट में अल्सर हो जाता है। इस समस्या से पेट में दर्द, बदहजमी, खट्टी डकार और जलन होती है। यहाँ तक कि कई बार तो खून की उल्टी भी आ जाती है। अगर आपको भी ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाइए, हो सकता है आपके पेट में अल्सर हो। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। जैसे क्या सोया मिल्क या फिर आलमंड मिल्क या फिर कोकोनट मिल्क नॉर्मल दूध से बेहतर है? आजकल लोग सोया मिल्क, आलमंड या फिर कोकोनट मिल्क का काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये नॉर्मल दूध से बेहतर होता है? इसका जवाब हमें दिया डॉक्टर विभूषा ने। वो कहती है कि सोया मिल्क, आलमंड या फिर कोकोनट मिल्क नॉर्मल दूध के विकल्प हैं। ऐसा नहीं है कि ये दूध से ज्यादा पौष्टिक होते हैं, बल्कि लोग आजकल गाय भैंस के दूध को पचाने में सक्षम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से लोग प्लांट बेस्ड दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। फूड इंटॉलरेंस के चलते इस तरह के दूध की जो उपयोगिता है, जो कंजम्पशन है, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। बस एक यही वजह है। आज सेहत पे इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।